हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर मैं प्याज लहसुन छीलने लग रही थी। प्याज टमाटर की मैंने कटिंग कर दी थी। बाकी मेरे जो हाउस हेल्पर हैं उन्होंने आलू और शिमला मिर्च कट कर दिया था और छोंक लगा दिया था सब्जी में, और साथ में आटा गूंद के रोटी भी बना दी थी। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जो मेरे जो हाउस हेल्पर थे उन्होंने मना कर दिया, मतलब फ़ीमेल थी, लेडीज़ थी, एक दिन काम किया, दूसरे दिन आधा दिन काम किया था, मतलब डेढ़ दिन काम किया, फिर उन्होंने मना कर दिया। बोलते उनके हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, वो ना मतलब अभी मतलब कुछ उनका और कुछ काम है, जैसे कोई कोर्स वगैरह का वो करेंगी, तो इसलिए। तो अब मेरे घर पे कोई हाउस हेल्पर नहीं लग रही है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, मैंने सोचा था, देखो मैंने अपनी तरफ से हामी भी भर दी थी, मैंने 4 घंटे के लिए मतलब 5,000 रुपये भी मतलब मैं देने को तैयार थी, अब लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद फिर मेरे को भी ऐसे थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि देखो मैं अपने घर के काम खुद ही कर लिया करूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो देखो लोग भी नहीं है, मैं हूँ और विहान है, हम दोनों ही हैं काम करने वाले, मतलब काम करने वाले कह रही हूँ, सॉरी, मतलब हम दोनों का ही काम होता है खाली। तो इसीलिए ना मैं खुद ही करूँगी, अभी तक भी मैनेज कर ही रही थी, थोड़ा सा और करूँगी, टाइम निकाल लिया करूँगी, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे को खुद को लग रहा था कि एक चीज़ पता है क्या होती है, देखो जब हम हाउस हेल्पर लगा लेते हैं ना, तो हम खुद से काम, हमें ये नहीं समझ में आता कि ना, एक तो शर्म सी आती है। देखो मुझे तो ये देखो, ये कपड़े भिगो रखे थे मैंने सर्फ में अच्छे से, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि ना, एक तो शर्म बहुत आती है, देखो काम करवाते हुए, मुझे तो काम बोलते हुए भी इतनी शर्म आती है, क्योंकि शुरू से देखो कभी हमारे घर में कभी कोई हेल्पर नहीं रखी, कभी भी नहीं, खुद ही काम किए हैं सबने घर पे। और अब जैसे एक डेढ़ दिन के लिए जैसे हेल्पर आए ना, तो मैं तो उनको वैसे मना नहीं करने वाली थी, उन्होंने सामने से खुद ही मना किया, पर मेरे को शर्म आती थी उनको काम बोलते हुए भी, जैसे मान लो कहो ना ये कर दो वो कर दो, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है ऐसे, खुद से ही करने की आदत है ना काम। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि चलो विहान के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जैसे विहान ना टाइम लेता है खाने पीने में, जैसे उसको चाहिए होता है, जैसे वो धीरे धीरे दूध पीता है, धीरे धीरे रोटी खाता है, तो जैसे उसके पास बैठ के उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे मेरे को था कि चल मैं 4 घंटे मैं किसी से काम लूँगी, तो 4 घंटे मेरे बचेंगे, तो कहीं ना कहीं और मैं यूज़ कर सकती हूँ उन 4 घंटों को, तो ये मेरी सोच थी। पर कोई नहीं, देखो अगर अब खुद भी काम करना है तो खुद भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मैनेज मैं कर लूँगी। तो ये देखो उन्होंने आटा गूंद दिया था और कुकर में सब्जी बन गई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर से झाड़ू लगाने लग रही थी, ये देखिए आप लोग, तो ये बाहर से पूरा मैंने थोड़ा सा झाड़ू अच्छे से लगा दिया था, पौधों में पानी दे दिया था, आज तो पौधों में पानी वैसे बारिश नहीं दे दिया, सुबह से बारिश में इतना पानी बरसा है ना, इतना पानी बरसा है, आज मैं ना विहान को छोड़ के आई हूँ स्कूल, तब तो पानी बारिश नहीं आ रही थी, फिर मैंने टिफ़िन तैयार करना था विहान का, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे बाबू के लिए, तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करे तो मतलब 9:55 हो गए, 5 मिनट तो खड़ी रही वेट में कि बारिश रुकेगी रुकेगी, और अभी पता है पिछले करीबन 35 मिनट हो चुके हैं, बारिश लगातार चली रही है, रुकी नहीं है, और इतनी तेज़ बारिश मेरे को लग रहा है कि मतलब पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा आज तो बारिश ने, इतनी बारिश आ रही है ना, और उस बारिश में भीगती हुई मैं ना, इतनी तेज़ बारिश में मेरे को पता है मैंने कैसे बाइक चलाई है, फिर भी मैं बाइक चला के पर्स में मैंने विहान का टिफ़िन रख लिया था, पूरी भीग गई, फिर आने के बाद सारे कपड़े चेंज किए मैंने, सारे भीग गए थे मेरे, तो इस तरीके से विहान को मैं स्कूल दे कर आई। लेकिन फिर ये था ना कि बच्चा भूखा रह जाता वहाँ पर, क्योंकि सुबह बस वो पतंजलि वाले 4-5 बिस्किट खा के गया था, तो मैं कहा नहीं लेके जानी थी टिफ़िन। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा के सारी मिट्टी निकाल रही थी। और दूसरी बात पता है ये भी है कि देखो अगर मैं हेल्पर से ही देखो सारे काम करवा लूँगी, तो देखो मैं क्या काम करूँगी, आप ही बताइए ना, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें मैं ट्रैवलिंग वगैरह का तो कुछ नहीं लेती हूँ, मैं तो घर की अकेली रहती हूँ, तो सिंगल जैसे अपने घर के रूटीन काम आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप ही सोच के देखिए ना ये चीज़ कि फिर मैं वीडियो भी क्या बनाती। बट हाँ ये बात है कि उन्होंने मना किया, मैंने नहीं किया, मैं तो करवा लेती काम, बट अब कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही घर के काम सारे खुद ही, मतलब अपना टाइम से, वैसे मैं उठती हूँ जल्दी, उठने की मेरी आदत है, सुबह टाइम से रात को सो जाती हूँ, तो जो भी हो है ना काम वगैरह अपने सारे मैनेज मैं खुद किया करूँगी। तो ये देखो यहाँ पे रोटियाँ बनने लग रही है अभी, बाकी मेरा जो दर्द है देखो पहले से तो कम है, जो मेरे गले में का दर्द मैंने बताया था, लेकिन हाँ मेरे कान का दर्द अभी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा है, बट दवाई खा लेती हूँ तो आराम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरे बाल भी थोड़े से ऑयली ऑयली से हो रखे हैं, तो मैं कंघी निकाल रही थी बालों में से,
और वैसे मैं अपने बालों को ना अच्छे से शैम्पू करूँगी, आज करूँगी, मतलब तेल लगा के अच्छे से शैम्पू करके कंघी करूँगी, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा रफ रफ से मुझे खुद को फील हो रहे हैं। बाकी आप लोग कहते हो ना कि निधि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, देखो शैम्पू से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप ना सीरम और कंडीशनर ज़रूर यूज़ किया करो। मैं बालों में ना जैसे सिर धोने से पहले थोड़ा सा सीरम ज़रूर लगाती हूँ, उसके बाद सिर धोती हूँ, और उसके बाद कंडीशनर तो पक्का पक्का करना ही करना है, क्योंकि कंडीशनर ना करो तो फिर बाल ना उलझ टूटते ज़्यादा हैं कंघी में। तो यहाँ पे देख सकते हो चलो सब्जी बनके तैयार हो गई, आलू शिमला मिर्च की बढ़िया है ना, अच्छी लग रही है, कुकर में बन गई थी, सही अच्छी बन गई थी, रात को भी यही खा ली थी फिर हमने, और विहान ने देखो फालतू बन गई थी, ये देख सकते हो अच्छी बिल्कुल सिंपल थी। मिर्च तो हम ऐड ही नहीं करते हैं, सब्जी बिना मिर्च की खाते हैं ताकि विहान भी खा सके अच्छे से। तो ये देख लीजिए साथ में रोटियाँ बनी हुई थी, विहान को भी खिला दी थी एक रोटी अच्छे से आलू शिमला मिर्च की सब्जी के साथ। उसके बाद विहान ट्यूशन चला गया था, उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े थे जो मेरे जो हेल्पर आए हुए थे उन्होंने कपड़े थोड़े से जैसे धुलवा दिए थे, मतलब मैंने फिर पानी में से निकाल दिए थे बाद में। तो ये देखिए जी खाना बनके तैयार हो गया था, तो ठीक है देखो काम का हो जाएगा मैनेज, जैसे हो जैसे कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और ये देख लीजिए जी, और मेरा वज़न तो देखिए बढ़ गया है, पहले से भी 76 kg पे आ गया है मेरा वज़न, मींस मेरा अभी 72 था फरवरी में और अब 76 हो गया है, 4 kg वज़न मेरा और बढ़ गया है, 76 पे है। बट अब मैं आज से मैंने सोचा है सीरियस नोट पे थोड़ा थोड़ा अपना, क्योंकि देखो यार एक बात ये भी है, देखो अगर मैं हेल्पर रख लूँगी तो ना जैसे घर के काम मैं अभी खुद करती हूँ, बर्तन सारे घर के 2-3 times के मैं खुद धोती हूँ, तो एक एक्सरसाइज हो जाती है घर के कामों से भी। अब अगर पता है मैं फिर बिल्कुल ही हेल्पर के ऊपर डिपेंड हो जाऊँगी ना, तो बिल्कुल ही एक होता है ना कि पहले जैसे मैं मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं पैदल पैदल हर जगह जाती थी, अब क्या हुआ जब से बाइक आई है मेरा ना पैदल चलना बिल्कुल बंद हो गया है पिछले 10 महीने से, अब कहीं जाना हो बाइक में जाती हूँ। तो पैदल चलना जैसे ही मेरा कम हुआ ना मेरा वज़न बढ़ गया, आप खुद देखो जब मैंने बाइक ली थी उस टाइम मेरा 66 kg वज़न था 66, और 10 महीने में मेरा 10 kg वज़न बढ़ गया है। तो यही होता है ना कि मैं वरना 1 घंटा तो मैं रोज़ पैदल चलती ही चलती थी, क्योंकि मेरी दुकान ना मेरे यहाँ घर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ के मेरे 2 चक्कर लग जाते थे, तो 40-45 मिनट तो सिर्फ मेरी मतलब दुकान से कुछ लाना मतलब फिर वापस आना, फिर विहान को स्कूल छोड़ के आती थी पैदल, फिर ट्यूशन भी छोड़ के पैदल आती थी, फिर लेके आती थी, तो इस तरीके से मेरा काफ़ी मतलब अच्छी वॉक हो जाती थी, अब वो मेरी बंद हो गई है। तो यहाँ पे देखो पहले मैं कपड़े धोने से पहले मैंने देखो पूरे बाथरूम की सफाई कर दी थी, उसके बाद मेरे जो हेल्पर थी मतलब जो आई थी उन्होंने बस मेरे कपड़े धोए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने निकाल दिए थे कपड़े पानी में से, बट अब तो वो चले गए हैं, अब तो मुझे खुद ही करना है काम। मैं यहाँ पर बता देती हूँ वीडियो में कि वो अब नहीं मतलब कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने बोल दिया। और लखन भैया ने सपना के लिए बहुत सही स्टैंड लिया, उनको लेना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना देखो सोशल मीडिया पे एक को देख के फिर दूसरा बोलने लग जाता है, फिर तीसरा बोलने लग जाता है, लोगों की हिम्मत पड़ जाती है, और ये लोग ये सोचते हैं कि ना पता है क्या लेडीज़ हैं इनके पास मतलब हस्बैंड मतलब हो साथ तब कोई कुछ नहीं बोलता, फिर सोचते हैं अकेली है तो मतलब परेशान भी है अपनी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली प्रॉब्लम्स, तो लोगों को ये लगता है कि ना ऐसे में ना होता है ना कि मौके का फ़ायदा उठाना कि मतलब किसी के लिए कुछ भी बोल दो, कैरेक्टर पे कुछ भी बोल दो, किसी के लिए कुछ भी बात बना दो, किसी के लिए कोई भी अफवाह उड़ा दो, कुछ भी बोल दो, क्या जा रहा है बोलने में। तो ये चीज़ है कि देखो फिर पता है क्या होता है, देखो कोई एक मतलब इस तरीके से वीडियोस बनाने लग जाता है ना गलत वीडियोस किसी के ऊपर, तो फिर दूसरा देखता है तो वो सोचता है कि देखो इसके तो व्यूज़ आ रहे हैं, इसका तो चैनल चल गया इन बड़े यूट्यूबर के ऊपर गलत बोल के, तो हम भी गलत बोल देते हैं, मतलब ऐसे ना लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना देखो मतलब उन लोगों को लगता है कि यार व्यूज़ आ रहे हैं बोल लेते हैं, तो ऐसे करके ना ये इस चीज़ को बहुत बढ़ावा मिलता अगर यहाँ पर ही मतलब इनको नहीं रोका जाएगा तो, क्योंकि इसके बाद ना कम से कम लोगों के दिमाग में भी एक ये डर तो रहेगा कि देखो आप ना किसी के बारे में भी यहाँ पर सोशल मीडिया पे किसी लड़की के बारे में भी आप बिना वजह कुछ भी गलत बात नहीं उड़ा सकते हो किसी के लिए भी, किसी के कैरेक्टर पर बोलना या किसी के लिए किसी के ऑलरेडी कोई परेशान हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसकी उन चीज़ों के ऊपर गलत बोलना, या जो ये गलत टिप्पणियाँ करते हैं जो यहाँ पर मुझे भी इतने टाइम से मैं यहाँ पे हूँ सोशल मीडिया पे ये बात मेरे लिए भी बहुत बार बोल देते हैं, या मेरे कमेंट सेक्शन में भी कई बार बोल देते हैं कि हाँ मतलब ये बस मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, बहुत ही गंदे गंदे शब्द होते हैं बोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना लोगों की फिर हिम्मत बढ़ जाती है,
तो यहाँ पे बहुत सही किया है लखन भैया ने, बहुत अच्छे से स्टैंड लिया है। लोगों के मन में भी आगे के लिए भी फिर डर रहेगा कि हाँ भाई कि अकेली लड़की को ऐसे बेचारी समझ के कि हाँ दुखी है, प्रॉब्लम में है, तो मतलब कुछ भी, मतलब आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हो किसी का कि हाँ उनके नाम को यूज़ करके गलत बातें बोलना बहुत ही गलत है ये चीज़। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्टैंड बहुत ज़रूरी है लेना। मेरे साथ भी ये चीज़ें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई थी शुरुआत में। अगर मेरे साथ भी उस टाइम शुरू में कोई मेरे साथ खड़ा होता ना, उस टाइम जब मैं यूट्यूब पर आई थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ मेरी लाइफ में गलत हो रहा था, लेकिन उस टाइम मेरे लिए मेरे सपोर्ट में बोलने वाला कोई नहीं था। अगर मेरे लिए कोई आवाज़ उठाता ना उस टाइम, तो शायद जितना गलत आज मेरे लिए इतना बोला गया सोशल मीडिया पर 3.5 सालों से, वो चीज़ें नहीं होती। जितना गलत मेरे लिए बोला गया, लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती गई, फिर तो आगे हिम्मत एक को देख के दूसरे ने बोलना शुरू कर दिया। जब देखा ना कि यार वो भी तो बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से ना मेरे बारे में फिर वीडियो बना बना के मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। कभी कुछ जो मन में आया किसी ने कुछ भी उड़ा दी सिर्फ इसीलिए कि चलो व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है ना किसी के लिए, क्योंकि उनकी क्या हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा फ्यूचर ये लोग अपनी वीडियो चलाने के लिए ख़राब नहीं कर सकते। तो अभी भी बारिश होने लग रही है, तो जो दो हस्बैंड वाइफ है ना, जो काफ़ी उछलने लग रहे हैं, बकवास करने लग रहे हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज यहाँ वीडियो में बोलना चाहूँगी कि देखो लखन भैया का बड़ा चैनल है, उनके चैनल से इनको फ्री का प्रमोशन नहीं करवाना है कि वो कुछ बोले, इनका तो प्रमोशन होगा चैनल का। तो यहाँ मैं उनके बिहाफ पे इतना बोलना चाहूँगी कि जो तुम लोगों ने किया है ना पिछले कुछ दिनों में, वो माफ़ी के काबिल नहीं है और तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अब तुम एक दिन, दो दिन, तीन दिन कितना भी उछल उछल के वीडियोज़ बना लो, जितना करना है कर लो, जितना बोलना है बोल लो, तुम सपना के पाँव में पढ़ पढ़ के माफ़ियाँ मांगोगे, देख लेना। कुछ दिन रुक जाओ, बस कुछ दिन रुक जाओ, और ट्रस्ट मी लखन भैया फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, फिर भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अब जो तुम लोगों कर चुके हो ना, जितना इतना मैसेज याद रखना, माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर अब जो भी कुछ होगा ना, लखन भैया लीगल देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।